लिख लो, उसके बाद फिर हम अगला फंडा और सिखाते हैं। लिखिए सर। अब देखो, थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन का हम कुछ छोटा छोटा रूल्स सिखाएंगे, ठीक है? क्यों, इसका जो सब्जेक्टिव वर्जन है ना, अब उसमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज होगा, तो वो केसेस थोड़ा सा तुम पहले लिखो, ठीक है? मैंने सिर्फ यही नहीं, इसके बाद जो तीनों फॉर्म है तीनों में ही यूज होगा। देखो, पार्शियल फ्रैक्शन भी एक टूल है जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे इंटीग्रेशन। कैसे केसेस में इस्तेमाल करेंगे, तो ये देखो, अगर मान लो मैंने यहां पे लिया x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, सपोज ऐसे लीनियर फैक्टर्स है, और न्यूमरेटर में यू कैन हैव एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेसर देन दिस, तो ऐसे केस में इस तरीके से इसको ब्रेकअप किया जाएगा, a बाय एक्स माइनस ए प्लस बी बाय एक्स माइनस बी और प्लस सी बाय एक्स माइनस सी, ठीक है? ऐसे तोड़ोगे। देखो, ये पहला रूल, मैं एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं। मान लो क्वेश्चन मैंने तुमको ऐसे दिया, से 3x स्क्वायर प्लस 4x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इनटू x माइनस 2 इनटू x माइनस 3, अरे जस्ट सिंपल रखने के लिए मैंने क्वेश्चन ऐसे दिया, ठीक है? तो अगर ऐसे दिए हैं तो अब तुमको क्या करना है, देखो ये पार्ट को पहले ब्रेकअप करोगे अकॉर्डिंग टू दिस। तो यहां देखो, 3x स्क्वायर प्लस 4x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इनटू x माइनस 2 इनटू x माइनस 3। देखो, सिंपली राइट इट एज a बाय x माइनस 1, b बाय x माइनस 2 और c बाय x माइनस 3। देखो ऐसे लिखो। अब एबीसी निकालने का शॉर्टकट क्या है, ठीक है? तो उसका शॉर्टकट यहां पे देखो, एलसीएम लो और न्यूमरेटर्स को इक्वेट करो। देखो, कहीं भी नहीं समझ में आएगा तो पूछना, चुपचाप मत बैठे रहना, ठीक है? देखो, ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, देखो। यस सर, कोई कंफ्यूजन इसमें? मासूफ? नो सर। अब देखो, शॉर्टकट मानना, ध्यान से सुनो। देखो, x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये दोनों जीरो होगा कि नहीं? देखो b के साथ, तो पुट x इक्वल टू 1, व्हाट डू यू गेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, टेल मी। 3 प्लस 4 7। राइट साइड में क्या हुआ, देखो, a इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 2, तो a का वैल्यू देखो 7/2 हो गया। अब पुट करो x इक्वल टू 2, तो देखो पहला और तीसरा वाला ये पूरा जीरो हो गया, आया ना? यस सर। अब तू यहां पुट करो कि कितना वैल्यू आता है, बोलो। देखो, 4 इंटू 3 12, 12 और प्लस 8 20, इसके साथ कितना आया बताओ, b इंटू 2 माइनस 1 और 2 माइनस 3, तो माइनस b, सो b इज माइनस 20। नाउ यू पुट x इक्वल टू 3 हियर, ठीक है? तो x को 3 पुट करो तो देखो ये दोनों जीरो हो गया, a और b वाला। अब यहां कितना आया, देखो 3 पुट किए तो 9 इंटू 3 27 प्लस 12, अच्छा 39, और इसमें कितना आया बता, 2c आया, तो c तेरा 39/2 हो गया। तो देखो, ये इतना बड़ा जो दिख रहा था इंटीग्रल, अब हम सीधे लिखेंगे, देखो 7/2 टाइम्स dx बाय x माइनस 1 माइनस 20 टाइम्स dx बाय x माइनस 2 और प्लस 39/2 टाइम्स dx बाय x माइनस 3। देखो, अब अगला लाइन में तुम डायरेक्ट आंसर लिखोगे,
यस सर। तो जितना भी फैक्टर हो लीनियर अगर है तो स्ट्रेट अवे यू विल कीप ऑन ब्रेक, यू विल ब्रेक इट अप लाइक दिस और उसके बाद फिर निकालोगे कोएफिशिएंट्स, तो हर टर्म इंटीग्रेबल आएगा। ठीक है, लिख लो फटाफट। अगला लाइन आंसर लिखो, ये नहीं कि हम यहां छोड़ दिया तुम भी छोड़ देगा। नेक्स्ट लाइन, लॉग ऑफ एक्स माइनस वन, लॉग ऑफ एक्स माइनस टू, लॉग ऑफ एक्स माइनस थ्री और प्लस सी, आंसर कंप्लीट करोगे। सर बोलो, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से बोर्ड में है? हाँ बिल्कुल है। अगर नहीं होगा तो तुम ये बताओ, जब ऐसे सवाल लेगा तो तुम क्या छोड़ देगा क्वेश्चन? नो सर। तो इसी से ना करना पड़ेगा। नहीं सर, आप बोले थे ना पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड बोर्ड में नहीं है, इसलिए सर पूछ लिया। अरे ये डिफरेंशिएशन थोड़ी है बच्चा, पार्शियल फ्रैक्शन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है, तुम मिक्स मत कर उसको। ठीक है सर। अब यहां देखो अगला, ये पहला वाला हो गया, हाँ ना, कुछ तो बोल रहे। यस सर। यस सर। अब देखो, जब इनके ऊपर लीनियर टर्म्स के ऊपर जब पावर होता है तब हम क्या करेंगे? तो देखो, सेकेंड स्ट्रक्चर ऐसा है, मान लो मैंने दिया x माइनस ए का पावर 2, x माइनस बी का पावर 3 और ऐसे करके मैं कितना भी डाल सकता हूं, x माइनस सी का पावर 4, सपोज ऐसा दिया। मतलब अब तुम क्या देख रहे हो, लीनियर टर्म्स के ऊपर पावर्स है, राइट? तो स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंस क्या है, तो यहां लिखोगे ए वन बाई एक्स माइनस ए, ए टू बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ए थ्री बाई एक्स माइनस बी, ए फोर बाई एक्स माइनस बी का स्क्वायर, ए फाइव डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी का पावर 3। अगला लिखेंगे ए सिक्स बाय एक्स माइनस सी। देखो पैटर्न समझ में आ रहा है बच्चे? देखो पावर, पावर हम एक एक करके इंक्रीज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सडन पूरा सारा पावर तुमने यहां पे एक साथ लिख दिया। देखो डिड यू अंडरस्टैंड? देखो यहां पे स्क्वायर था, तो देखो एक्स माइनस ए का दो टर्म आया, एक में पावर 1 है तो एक में पावर 2 है, ठीक है। देखो यहां पावर 3 था तो यहां तीन टर्म है, देखो x माइनस बी का पावर 1, x माइनस बी का स्क्वायर, x माइनस बी का क्यूब, ठीक है। देखो x माइनस सी है तो देखो पावर 1, 2, 3, 4, ऐसे करके आएगा। एग्जाम्पल लेने की जरूरत है इसमें? बोलो। मान लो यहां पे मैंने दिया एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 और यहां मैंने लिखा x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू x माइनस 2 का पावर 3 और मैंने इंटीग्रेशन के लिए दिया। तो देखो मैं पहला स्टेप लिख दे रहा हूं, बाकी तुम लोग करोगे। देखो x क्यूब प्लस 3x प्लस 1 बाय x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू x माइनस 2 का क्यूब, ये लिखोगे a बाय x माइनस 1, b बाय x माइनस 1 का स्क्वायर, c बाय x माइनस 2 प्लस डी बाय एक्स माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस ई बाय एक्स माइनस 2 का क्यूब। देखो ऐसे, और अभी जैसे मैंने एबीसीडी निकाला था, क्या तुम लोग निकाल सकते हो वैसे? यस सर। तो वैसे निकाल लेना और उसके बाद देखो इसमें हर टर्म इंटीग्रेबल है कि नहीं। यस सर। लिखो जल्दी ताकि मैं तीसरा केस भी बता सकूं। देख लिया सर।
हो गया बच्चे यस सर अब देखो अगर लीनियर के साथ क्वाड्रेटिक है ये देखो तीसरा सपोज मैंने लिखा dx by x minus a into px square plus qx plus r तो यहां पे देखो अगर ऐसा टाइप का टर्म है चलो हम ये क्यों लिख रहा है तो इसको a by x minus a plus b into derivative of this quadratic ठीक है और plus c divided by px square plus qx plus r ऐसे लिखना है ठीक है देखो क्वेश्चन लेके बता रहा हूं सपोज क्वेश्चन मैंने ऐसे लिखा से 3x plus 4 divided by x minus 1 into x square plus 4x or plus 5 मैंने ऐसे दे दिया ठीक है तो देखो यहां लीनियर है और यहां क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब मुझे ये कॉन्सेप्ट से प्रोसीड करना है तो देखो 3x plus 4 by x minus 1 into x square plus 4x plus 5 देखो इसे हमने लिखा a by x minus 1 देखो पहला लीनियर फैक्टर प्लस b into अब देखो इस क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव कितना हुआ 2x plus 4 और प्लस a कांस्टेंट c by x square plus 4x plus 5 देखो क्या ये स्टेप समझ में आया बच्चे यस सर अब यहां लेकिन शॉर्टकट बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा यहां थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा देखो एलसीएम ले लेते हैं और डिनोमिनेटर काट देते हैं न्यूमरेटर को इक्वल करते हैं देखो दिस कम्स हियर देखो b into x minus 1 into 2x plus 4 और c into x minus 1 देखो हाँ a निकालने का काम तुम्हारा आसानी से हो जाएगा x को 1 पुट कर दो ये दोनों 0 हो जाता है ठीक है तो 1 पुट किए तो देखो 1 4 5 कितना हुआ 10 और इधर कितना हुआ 7 तो a is equal to 7 by 10 करेक्ट ये आ गया अब b c थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा तो देखो x square का कोएफिशिएंट कितना हुआ a plus 2b और वो इधर कितना है 0 यानी b is equal to minus of a by 2 यानी माइनस ऑफ 7 बाय 20 करेक्ट ये समझ में आया कि नहीं आया बोलो इधर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है लेफ्ट में जहां मैंने उंगली रखा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 0 x स्क्वायर तो नहीं है और राइट साइड में क्या हुआ यहां a और यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 2b आएगा तो a plus 2b is equal to 0 yes, अब यहां देखो अब कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट देखो तो देखो 5 into a देखो लेफ्ट साइड में 4 है ये हो गया 5a और आगे आया माइनस ऑफ 4b और माइनस c तो 4 is equal to 5 into 7 by 10 माइनस 4 इंटू माइनस 7 बाय 20 और माइनस सी देखो इसमें से कुछ कुछ तो कटता हुआ दिख रहा है ये 2 आ गया ये भी कट गया 5 आ गया तो देख c इज इक्वल टू 7 बाय 2 प्लस 7 बाय 5 और माइनस 4 करेक्ट देखो समझ में आया कि नहीं आया तो 49 बाय 10 ये हो गया तेरा और माइनस ये 40 तो 9 बाय 10 इनफैक्ट दैट इज योर वैल्यू अब देखो ए बी सी एक बार आ गया तो अब मैं इस इंटीग्रल को लिखूंगा 7 बाय 10 टाइम्स ऑफ डीएक्स बाय एक्स माइनस 1 अब ध्यान से देखो बी माइनस 7 देखो बी इनटू दिस बाय दिस तो
तो ये हो गया तेरा माइनस ऑफ 7 बाय 20 टाइम्स 2x प्लस 4 बाय x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx, और c हो गया तुम्हारा 9 बाय 10 टाइम्स ऑफ dx बाय x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। देखो ये स्टेप तक समझ में आया, मैंने a b c यहां पे पुट कर दिया और अलग अलग कर दिया सबको। अब ध्यान से देखो, ये dz बाय z का फॉर्म है कि नहीं है? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। देखो ये भी इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो ये अगर हम t लिए तो ये ऊपर क्या है, dt। यस सर। तो ये दोनों का आंसर क्या होगा, 7 by 10 times log of x minus 1 modulus 7 by 20 times log of x square plus 4x plus 5। अब बच गया आखिरी वाला, तो देख आखिरी वाला क्या ये इस फॉर्मेट में है, x plus 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, और इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x plus 2 हुआ by 1। तो समझ में आया जब ऐसा फॉर्मेट होगा कैसे करना है? हाँ सर। हाँ ना, चलो फटाफट लिखो।